जिला बिलासपुर के घुमारवी शहर में बनने वाला इंडोर स्टेडियम आज विभागीय कर्मचारियों की लेट लतीफी के कारण फाइलों में दबकर रह गया है। 1 करोड़ रुपए की राशि पीडब्ल्यूडी विभाग के पास करीब 5 वर्ष पहले पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी स्टेडियम को बनाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घुमारवी शहर के नज़दीक चैहड़ में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वर्ष 2011 में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा यहां स्टेडियम बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए थे। चैहड़ दंगल कमेटी की ओर से यह इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गईं, जिसके बाद इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए पहली किश्त के रूप में 1 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग के पास पहुंच गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि घुमारवी शहर को मिली यह सौगात आज सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह गई है। चैहड़ दंगल कमेटी के प्रधान जोगिंदर सिंह व महासचिव कमल ठाकुर ने बताया कि शहर के साथ लगते चैहड़ में दंगल कमेटी की ओर से हर वर्ष भारत केसरी दंगल करवाया जाता रहा है और यहां खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा प्रयास कर इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी। इस स्टेडियम के निर्माण में करीब 6.5 करोड़ रुपए का खर्च आना है। उन्होंने बताया कि यहां स्टेडियम बनाने के लिए जगह का चयन पूरा हो चुका है। स्टेडियम बनाने के लिए कुछ एक पेड़ कटने हैं, उन पेड़ों को चिन्हित भी कर लिया गया है, लेकिन आज वर्षों बीत जाने के बाद भी यहाँ के खिलाड़ियों को इस सुविधा से महरूम रखा जा रहा है। आज यहाँ के खिलाड़ी स्टेडियम न होने के कारण खेल गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए स्टेडियम को धरातल पर लाने के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। चैहड़ में दंगल कमेटी की ओर से हर वर्ष भारत केसरी दंगल करवाया जाता रहा है और यहाँ खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा प्रयास कर इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। इस स्टेडियम के लिए करीब 6.5 करोड़ रुपए का खर्च आना है और काम शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए पहुंच जाने के बाद भी ना जाने क्यों शहर के लिए यह सौगात नहीं बन पा रही है, जबकि स्टेडियम बनाने के लिए जगह का चयन पूरा हो चुका है। स्टेडियम बनाने के लिए कुछ पेड़ कटने थे, उन पेड़ों को चिन्हित भी कर लिया गया है, लेकिन आज वर्षों बीत जाने के बाद भी यहाँ के खिलाड़ियों को इस सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है और महरूम होना पड़ रहा है। आज यहाँ के खिलाड़ी स्टेडियम ना होने के कारण खेल गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए स्टेडियम को धरातल पर लाने के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जो बहुत ही दुख की बात है। और हम मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं, स्थानीय नेतृत्व से भी मांग करते हैं कि इसको अंतिम अमली जामा पहना के जो है लोगों के लिए, घुमारवी शहर के लोगों के लिए और इलाका वासियों के बच्चों को, नौजवान बच्चों को जो खेल के प्रति अपना रुचि रखते हैं, उनको जो है यहाँ पे भरपूर मौका मिले।